हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट 2024 की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो अब तक आप लोग अपना लगभग क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और अपने स्कूल एग्जाम्स का वेट कर रहे होंगे। उसके बाद आप लोग न्यू सेशन में क्लास 12th के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक का अपना जो टाइम है, 11th क्लास का जो टाइम है, वो लगभग वेस्ट कर दिया होगा या इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ओके, और अब जब जनवरी स्टार्ट हो चुका है, नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो आप एक नए सिरे से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर रहे होंगे कि किस तरह, अगर हम मान के चलें कि अगले साल नीट 2024 मई में होता है, तो अब से मई तक, नेक्स्ट ईयर के मई तक आप लोगों के पास लगभग 12+4 16 मंथ्स हैं। तो उन 16 मंथ्स में भी आप अच्छे से अगर अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको नीट में क्या सिलेबस पूछा जाता है वो पता होना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को मैं बता दूं कि NTA जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एज सच कोई सिलेबस का अलग से सेक्शन नहीं है। बच्चों, जब भी NTA नीट की इन्फॉर्मेशन बुकलेट रिलीज़ करता है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ करता है, तो उसी में सिलेबस पार्ट गिवन होता है। और अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स का सिलेबस पार्ट देखें तो उनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, बल्कि वो सिलेबस NCERT से ही मैच करता है। ओके, बट फिर भी एक बार ऑफिशियल तौर पर हमें पता होना चाहिए कि NTA ने अपनी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है। अगर आप नीट 2024 के ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो वो तो फिर NTA अगले साल जब एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले का टाइम होगा तब रिलीज़ करेगा, तो उसका वेट तो आप कर नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पर जो आपका प्रीवियस ईयर का सिलेबस है वो इन्फॉर्मेशन बुकलेट से, ऑफिशियल सोर्स से उठाया है, और वही मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और साथ साथ में सिलेबस के साथ साथ हम लोग जो भी हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी मैं एक बार मैंशन करते जाऊँगी, जिससे आप लोगों को एक आइडिया रहे और आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए, अगर आप बायोलॉजी का चैप्टर वाइज एनालिसिस देखना चाहते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप लोग इनको टिक करने के लिए, अगर आपके पास NCERT तो बट ऑब्वियस होगी ही, वो ओपन कर सकते हैं और NCERT में इन टॉपिक्स को टिक कर सकते हैं या सिंपली इंडेक्स से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 11th की अगर हम बात करें तो क्लास 11th में जो आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इसमें वही चारों चैप्टर्स NTA के ऑफिशियल सिलेबस में है। बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आप ध्यान रखिएगा वायरसेस पे बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, फंजाई किंगडम पे भी बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, बैक्टीरिया भी आपको पढ़ना होता है, प्रोटिस्टा और लाइकेंस कंपैरेटिवली थोड़ा कम पूछा जाता है, बट इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। ठीक, देन प्लांट किंगडम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप लोगों को पांचों प्लांट डिविजन्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, सभी के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, बट ध्यान रखिएगा स्टिक टू NCERT। यहाँ पर आपको प्लांट किंगडम के लिए, अगर आप कोई भी रिफ्रेशर वगैरह यूज़ करते हैं जस्ट टॉपिक्स को समझने के लिए, तो उनमें जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उन्हें नहीं याद करना है, बल्कि NCERT के एग्जाम्पल्स को ही ध्यान रखना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी NCERT वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, ओके, वैसे तो बायोलॉजी में बच्चों आप कोई भी दूसरी बुक यूज़ करते हैं ना, तो वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया करो, थ्योरी पार्ट के लिए NCERT इज़ मोर देन इनफ। हाँ, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच चाहिए वहाँ पर फिर आप टीचर्स के लेक्चर्स प्रेफर किया करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द रिफ्रेशर्स, क्योंकि उनको समझने में बहुत टाइम लगेगा, उनका निचोड़ जो हम इतनी मेहनत से निकालते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड बुक से और वो फिर आपको लेक्चर्स में देते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे चैनल पे भी प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से लेक्चर्स देख सकते हैं जो भी टॉपिक्स आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए, देन एनिमल किंगडम नेक्स्ट चैप्टर, एनिमल किंगडम में वही सारे जो भी फाइला हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, और देखो क्लियरली NTA ने ही बोला है कि सभी के 3-5 सलाइन फीचर और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, तो मतलब अब बट ऑब्वियस वो कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, उसमें कोई फिक्स तो है नहीं, या ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं कि आपको बोल दिया कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखो, आपको तो 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो इसलिए फिर NCERT में दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अगेन मैं याद दिला दूं, ये NTA की ऑफिशियल बुकलेट से ही उठाया गया सिलेबस है, तो आप इस पर आराम से रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड यूनिट जो आपकी है बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसमें बॉटनी से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी है और एक एनाटॉमी है। क्लियर,
तो इन दोनों में ही मॉर्फोलॉजी एंड उसके मॉडिफिकेशंस, टिश्यूज, एनाटॉमी, यानी कि जो टिश्यूज वगैरह होते हैं ना, प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज, आइलम, फ्लोएम, उन सब के बारे में पढ़ना होता है. ओके, एंड प्लस यहाँ पे आपको क्या रखा है कि जो भी मॉर्फोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड है, वो सब आपको पढ़ना है. ओके, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह के बारे में, बट सेकेंडरी ग्रोथ पे भी क्वेश्चन आते हैं, कंपैरेटिवली कम पूछते हैं. ठीक है, देन एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें बच्चों, तो एनिमल टिश्यूज में मतलब ये पूरा चैप्टर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक तो एनिमल टिश्यूज, जो चार तरह के बेसिक टिश्यूज आपको पढ़ने हैं, प्लस उसके अलावा आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इस पॉइंट पर ध्यान देना बच्चों, एनसीईआरटी आप खोल के देखना, ये जो चैप्टर है आपका, दिस इज चैप्टर नंबर 7. ओके, तो चैप्टर 7th में क्या दे रखा है बच्चों, आपकी बुक में तीन एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है, कॉकरोच, फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म. लेकिन एनटीए ने अपने सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया है कि कॉकरोच से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो भी ब्रीफ अकाउंट, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना. ठीक है, देन नेक्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें वो सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, चाहे वो सेल थ्योरी हो, सेल का पूरा स्ट्रक्चर, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, न्यूक्लियस, ठीक है, देन बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है, तो आप इसको सिर्फ एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड कर लें. ओके, इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स, एंजाइम्स पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक है इसी का चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें दो सेल, दोनों टाइप के सेल डिवीजन्स के बारे में है, माइटोसिस एंड मियोसिस. बिल्कुल अच्छे से स्टोरी की तरह आप इसे पढ़ सकते हैं. ठीक, तो ये हुए आपके तीन यूनिट्स 11th के. नेक्स्ट यूनिट, अब नेक्स्ट जो दो यूनिट्स हैं 11th में, प्लांट फिजियो एंड ह्यूमन फिजियो, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स हैं बच्चों. इनको मैं कहूँगी कि आप अच्छे से, अगर आप अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने से ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आने वाले. ठीक है, तो इनको डिटेल में पढ़ना होता है दोनों को ही, प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो. प्लांट फिजियो में पाँचों चैप्टर्स एनटीए ने इंक्लूड किए हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लास्ट कुछ ईयर्स का पैटर्न देखें तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से भी पूछे गए हैं. ठीक, बाकी फोटोसिंथेसिस बहुत ही बढ़िया सा लॉजिकल चैप्टर है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा. रेस्पिरेशन वगैरह सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ऐसा नहीं है. देखो, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, रिविजन की बात नहीं कर रहे, स्टार्ट करते हैं, तो हमें उस एग्जाम के लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसे पूरा पढ़ना चाहिए. तब हमें चॉइसेस नहीं देखनी चाहिए कि यार क्या पढ़ लें और क्या छोड़ दें, दैट इज़ नॉट फेयर विद द एग्जाम. हाँ, जब आपकी एक पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और आप रिविजन कर रहे होते हैं, तब ज़रूर ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ज़्यादा क्वेश्चंस, किसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसमें से कम. तो तब आप लोग उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें. बट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी टॉपिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंट मानकर प्रिपेयर करें. ठीक है, ओके, देन प्लांट, ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी आपको पूरा प्रिपेयर करना है. कोई भी इसमें ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि है ना हटाया गया हो. एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स मैंने इसमें पढ़े थे, इंपॉर्टेंट मतलब दे रखे हैं. ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर, जो कि सभी बच्चों को बहुत पसंद होती है, मोस्ट फेवरेट यूनिट है ना. खुद ह्यूमंस के बारे में, अपने बारे में ही पढ़ना, तो प्रैक्टिकली भी आप कोरिलेट कर पाते हैं चीज़ों को. बट हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना बच्चों, जब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते वक्त ना उसमें पीएचडी नहीं करनी है आपको. मतलब मेडिकल में तो आप जाना ही चाहते हैं, तो ह्यूमन फिजियो पढ़ते वक्त बच्चों को लगता है कि यार कितना मज़ेदार है, और हर जितने भी डिसऑर्डर्स वगैरह इसमें आते हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स स्पेशली जब मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चे उसकी जाने कितनी डिटेल्स पूछ लेते हैं कि मैम अच्छा इसमें ये सिम्टम आता है, इसमें ये मेडिसिन देते हैं. तो ये चीज़ें आपको MBBS लेवल पर सीखनी है, ना कि अभी से. नीट में ये सब नहीं पूछा जाएगा कि किस डिसऑर्डर की क्या मेडिसिन है. ठीक है, आप नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो इट्स ओके, बट ऐसा नहीं करना है कि ह्यूमन फिजियो में आपने 3 से 4 महीने पूरे के पूरे निकाल दिए. इतना टाइम अगर आप इसको दे देंगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी तो मैनेज करने हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो सब भी तो मैनेज करना है, उसके बिना तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा. हाँ, ह्यूमन फिजियो से नीट में लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, बट उन 12 से 13 क्वेश्चंस के लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी है. ऐसा नहीं कि आप लोग है ना अपना दूसरा सब्जेक्ट्स का टाइम इसमें डिवोट करें. ये हर साल की प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. अपने नीट प्रिपरेशन में ह्यूमन फिजियो को उतना ही टाइम देना है जितना रिक्वायर्ड है, जितना कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनाने के लिए ज़रूरी है,
और नीट के क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए जरूरी है. ओके देन, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सेवन चैप्टर्स हैं बच्चों, सेवन सिस्टम्स एनसीईआरटी ने आपसे डिस्कस किए हैं. ईच वन इज इंपॉर्टेंट. डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इसमें मसल्स के बारे में है एंड बोन्स के बारे में, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, तो चैप्टर एक है बट आपके दो सिस्टम्स इसमें हो गए, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लास्टली केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन. यानी यहां पर बात होगी आपके एंडोक्राइन सिस्टम की. ओके, दिस इज द एंडोक्राइन सिस्टम, दिस इज नर्वस सिस्टम. तो लगभग ह्यूमन बींग्स के सभी सिस्टम्स यहाँ पे इंक्लूडेड है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो 12th एनसीईआरटी में है. ठीक, तो ये सभी चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ समझ के पढ़ने हैं. ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन चार चैप्टर से पूछे जाते हैं, इनका रेशो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है. बाकी सात के सात चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं. अगर हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आप सोचिए 7 × 2 = 14 क्वेश्चन तो वैसे ही बन गए. क्लियर, चले. तो ये आपका 11th एनसीईआरटी का मतलब 11th का पैटर्न सिलेबस था जो एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया है. और ये आप देखिए, मैंने 11th एनसीईआरटी का इंडेक्स यहाँ पर ले लिया है, बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस में मैच कर रहा है, सब कुछ वही है. इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, स्पेशली बायोलॉजी में. तो केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स के लिए पढ़नी होती है, बट बायोलॉजी में तो हर चैप्टर को अपने आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो भी चैप्टर आप कहीं से भी प्रिपेयर करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, उसके बाद एक बार ये अपना रूल बना लो कि आपको एनसीईआरटी से वो चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है. और जब भी आप कभी टेस्ट देते हैं उस चैप्टर का, तो फिर जब रिवाइज कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से गो थ्रू करो. ऐसा करते करते जब आप नीट के एग्जाम तक पहुंचेंगे तो आपको एनसीईआरटी की कई सारी चीज़ें फोटोग्राफिक मेमोरी के फॉर्म में याद हो चुकी होंगी, और ये भी पता होगा कि यार क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम, अगर स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो. फिर लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी बहुत टिपिकल लगेगी, समझ में नहीं आएगी. तो जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ इन फैक्टर्स को ज़रूर इंक्लूड करें. ओके देन, तो ये आपके 11th एनसीईआरटी के सारे वही 22 चैप्टर्स हो गए. अब आते हैं हम बायोलॉजी में 12th के कंटेंट पर, कि 12th में एनटीए ने क्या क्या टॉपिक्स हमें दिए हैं. तो अगेन बच्चों, 12th का जो सिलेबस एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया है अपनी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, वो भी एनसीईआरटी से मैच कर रहा है. एक बार देख लेते हैं हम. सबसे पहली यूनिट है आपके रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुश्किल से नीट में आता है, लेकिन बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, बाकी एग्जाम के पर्पज से आप इसे बहुत ज्यादा याद करेंगे, उसकी नीड नहीं है. क्लियर, देन इससे ज्यादा टाइम आपको देना है इन दो चैप्टर्स पे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं फिजियोलॉजी की तरह, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है. एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसी से कोरिलेटेड चैप्टर है, पहले ये पढ़िएगा उसके बाद ही इसको पढ़िएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक, देन नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस यूनिट से भी अगेन ह्यूमन फिजियो की तरह ही 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों. और जेनेटिक्स में क्योंकि वहां तो नंबर ऑफ चैप्टर 7 थे, तो हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बन रहे थे, बट यहां पर क्योंकि मेनली 3 ही चैप्टर्स हैं, उनमें भी ये दोनों ज्यादा लेंथी हैं, तो लगभग दोनों चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से और 5 to 6 यहाँ से, तो इसलिए आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके, जिसमें यहाँ पे आप मेंडल से रिलेटेड जो भी इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपके बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए एंड आरएनए हैं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स में या यूं कह लो आपका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए और आरएनए, उनको आपको डिटेल में उनका स्ट्रक्चर, वो कैसे काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें. ठीक है, तो आप इनके सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे और नीट में आपके अगर 12 क्वेश्चंस आते हैं तो 48-50 नंबर पक्के हो जाएंगे. ठीक, देन नेक्स्ट एवोल्यूशन चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है पढ़ने में, आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ने की शुरुआत मत करना बच्चों. एवोल्यूशन को हमेशा पहले किसी भी एक जो भी जिस भी टीचर के आपको समझ में आते हैं लेक्चर्स, पहले उनके लेक्चर देखने हैं आपको, उसके बाद इसे एनसीईआरटी से पढ़ना है. डायरेक्ट पढ़ोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और इससे भी 2-3 क्वेश्चंस नीट में एनटीए पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए. ठीक, क्लियर. नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी ट्वेल्थ में, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. इसमें तीन चैप्टर्स हैं बच्चों, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, एक है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन. मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होता है. एंड लास्टली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अलग अलग बैक्टीरिया या फंजाए का हमारी लाइफ में यूज़ क्या है वो आपको यहाँ पर बताया है. तीनों ही चैप्टर्स मिला के बहुत कम इम्पॉर्टेंस रखते हैं बच्चों, कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेकिन वही वाली बात कि अगर आप रिवीजन के टाइम पर इस फैक्टर को ध्यान रखना, अभी तो आप पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एड्स, कैंसर और बहुत सारी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताया है, उन सबको अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, क्लियर? देन ये दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं तो ये आपके बहुत ही जल्दी से प्रिपेयर हो जाएंगे. देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू. एक बार आप बायोटेक पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में. लेकिन ये गलती मत करना कि मैम ने कहा यार बायोटेक अच्छा है तो बायोटेक से शुरुआत कर देते हैं ट्वेल्थ की. ऐसा नहीं, हमेशा चैप्टर सीक्वेंस जो फॉलो किया जाता है, जो रखा जाता है, वो आपको फॉलो करना है. इसके लिए भी चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस सीक्वेंस में हमें 11th और 12th के चैप्टर्स पढ़ने चाहिए. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें दो चैप्टर्स हैं बच्चों, एक तो इसका पूरा टूल्स एंड प्रिंसिपल्स वगैरह समझाएं कैसे टेक्निक है, और दूसरे में इसकी एप्लीकेशंस है. पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ प्रिपेयर करना है यहाँ पे. ठीक, एंड लास्टली, इसके लिए मैं कहूँगी लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये भी पता है आपको कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बराबर इंपॉर्टेंस रखती है. और इससे भी 12 टू 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, जनरली हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं उनमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, बट आपको अच्छे से इंटरेस्ट लेकर इन्हें पढ़ना है. और स्पेशली स्टिक टू एनसीईआरटी वाली बात यहाँ भी फॉलो करनी है, किसी दूसरे रिफ्रेशर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही इसे प्रिपेयर करना है आप लोगों को. ठीक है, इसमें चार चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज. ठीक, चारों को ही आपको प्रिपेयर करना है, सब में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये आपका 12th का सिलेबस था, और ये भी अगर आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी से ही मैच करता है. वही पांच यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी. ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एनटीए का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो लगभग हर साल सेम ही रहता है, कोई मेजर चेंजेस नहीं होते, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बायोलॉजी में. ठीक है, और अपने अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप हम लोगों से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट होकर भी पूछ सकते हैं बच्चों. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से वहाँ पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करें. जो भी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे. और अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, आपको डाउट्स आते हैं, तो आप अपने एकेडमिक डाउट्स भी हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं. थैंक यू.